हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लोचा के बारे में। यह टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग, जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का मिक्स कंपोजिशन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यह प्यूपेरियम के दौरान फर्स्ट 14 डेज तक वेजाइना से होने वाली यूटेराइन डिस्चार्ज को लोचिया कहते हैं, यानी कि प्यूपेरियम के फर्स्ट 14 दिन तक जो डिस्चार्ज होगा वेजाइना से उसको कहेंगे हम लोचिया। और जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज होगा वो कौन सा वाला होगा? यूटेराइन डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये इसकी होगी सिंपल डेफिनेशन। फर्स्ट 14 दिन तक जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज होगा यूटेराइन डिस्चार्ज उसको कहेंगे हम लोचिया। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोचिया के बारे में। तो फर्स्ट वन है ओडर एंड रिएक्शन, यानी कि इसकी गंध एंड इसका जो रिएक्शन है एल्किलाइन है या फिर एसिटिक है उसके बारे में। द स्मेल ऑफ लोचिया इज सिमिलर टू स्मेल ऑफ फिश, यानी कि इसकी स्मेल किसके बराबर है? जो फिश होती है यानी मछली उसके बराबर। इट इज रिएक्शन ऑफ इज एल्किलाइन नेचर विच बिकम्स एसिडिक इन द नेचर टिल द एंड, यानी कि स्टार्ट में क्या होता है जब डिस्चार्ज होता है उस टाइम में तो इसकी एल्किलाइन नेचर की होती है। जब 3 वीक्स यानी कि जब एंडिंग जो टाइम होगा उस टाइम में जो इसका जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा। तो ये था इसका ऑर्डर एंड रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट है अमाउंट। द एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट 5 to 6 days इज एस्टिमेटेड टू 250 ml, यानी कि इसका टोटली जो अमाउंट है कितना डिस्चार्ज होगा 5 से 6 दिन के फर्स्ट जो 5 से 6 दिन तक होगा उसके अंदर होगा 250 ml। नेक्स्ट अब बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में। तो कितने दिन तक क्या है लोचिया का जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज होता ही रहेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ लोचिया इज 3 वीक, यानी कि 21 डेज तक क्या है इसका जो डिस्चार्ज है वेजाइना से जो यूटेराइन डिस्चार्ज है वो होता रहेगा। अब बात करेंगे कलर की। तो फर्स्ट वन है लोचिया रूब्रा जिसका होगा रेड कलर, सेकेंड वन है लोचिया सिरोसा जिसका होगा येलो कलर, एंड लास्ट वन लोचिया अल्बा जिसका कलर होगा व्हाइट। तो ये इसका 3 कलर होते हैं रेड येलो एंड व्हाइट, रूब्रा सिरोसा एंड अल्बा। इस तरीके से क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है लोचिया के। नेक्स्ट अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है लोचिया रूब्रा, जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में कलर्स पढ़े थे वो ही एक क्या है कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा जाता है। तो फर्स्ट वन है लोचिया रूब्रा, इट इज ए रेड इन कलर। जो लोचिया रूब्रा होता है वो कौन से कलर में होता है? रेड इन कलर में होता है। ड्यूरेशन द फर्स्ट 1 to 4 days द ब्लड कंटेन स्पेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ वर्निक्स सीओसा मिकोनियम, यानी कि फर्स्ट 1 से 4 दिन तक जो डिस्चार्ज होगा ठीक है उसके दौरान ब्लड में क्या आएगा, जो यूटेराइन जो डिस्चार्ज होगा उस ब्लड में क्या आएगा? स्पेसिस ऑफ फीटस मेम्ब्रेन, यानी कि जो फीटस मेम्ब्रेन के कुछ टुकड़े आएंगे, डेसिडुआ के कुछ टुकड़े आएंगे, इसके बाद वर्निक सीओसा एंड लेगिनो और मिकोनियम आएगा। तो ये चीजें क्या है लोचिया रूब्रा के अंदर होती है फर्स्ट 1 से 4 दिन के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे लोचिया सिरोसा, इट इज ए येलो इन कलर। ये कौन से कलर में होता है? येलो इन कलर में होता है ठीक है। जो वेजाइना से जो यूटेराइन डिस्चार्ज होगा वो कौन से कलर का होगा लोचिया सिरोसा के अंदर? येलो कलर में। नेक्स्ट इसका ड्यूरेशन 5 से 6 दिन तक रहता है। इसमें आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में होती है। लोचिया सिरोसा में क्या होता है 5 से 6 दिन तक तो इसका डिस्चार्ज ड्यूरेशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है इसका येलोइज कलर रहेगा। इसके अलावा इसमें वुंड से होने वाला वुंड एक्सुडेट सर्विक्स की म्यूकस व एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये कंटेंट क्या होता है लोचिया सिरोसा के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन लोचिया अल्बा, इट इज ए वाइट इन कलर। इसका ड्यूरेशन होता है 10 से 15 दिन तक। इसमें डेसिडुआ सेल डब्ल्यूबीसी म्यूकस फैटी व अग्रेनुलेट एपिथेलियल सेल होती है। तो जो लोचिया अल्बा होगा वो कौन से कलर में होगा? व्हाइट इन कलर में होगा। नेक्स्ट इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 10 से 15 दिन तक। कभी कभी ये क्या है डिस्चार्ज 21 दिन तक भी चलता है, इसलिए इसका जो ड्यूरेशन होता है लोचिया का वो होता है 3 वीक। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं लोचिया के अंदर। तो इससे रिगार्डिंग आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज लोचिया एंड कैरेक्टर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ लोचिया इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि लोचिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके कॉम्प्लिकेशन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के
बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।